हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ में अपने शॉल का कलेक्शन जो है उसे शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली शॉल एक ऐसी चीज़ है जो हर ड्रेस पर कैरी हो जाती है, चाहे हम साड़ी कैरी कर रहे हैं या सूट कैरी कर रहे हैं या फिर हम लोग जो हैं टी शर्ट या कोई ना दूसरी आउटफिट कैरी कर रहे हैं, तो हर जिसके ऊपर जो है शॉल चल जाता है। तो जब हम सर्दियों में ही विंटर्स में है ना शादियां पड़ती हैं, और शादियों के टाइम पे पता है क्या होता है कि हम लोग है ना अपने लुक की वजह लुक के लिए है ना स्वेटर है या ब्लेजर है इस सब इन सबको कैरी नहीं करते हैं और ऐसे ठंड में ठिठुरते रहते हैं सिर्फ अपने लुक को ख़राब ना करने की वजह से। तो एक ऑप्शन होता है जिससे हमारा लुक ख़राब नहीं होगा, वो है शॉल। शॉल को हम अपने हैंड्स पर टांग सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम खाना खा लेते हैं शादी में या कहीं बाहर गए हैं तब, तो उसके बाद में हमें सर्दी ज़्यादा लगती है, तो उस समय ये जो शॉल हैं वही काम आते हैं। तो मैं और आपसे ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, सबसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला शॉल है मेरा ये वाला शॉल, और ये जो शॉल है ये ब्लैक एंड वाइट कलर का है, ब्लैक एंड रेड कलर का है सॉरी। और आपको खुद दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा शिमर है, कितनी ज़्यादा इसमें शाइन है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और ये वॉर्म भी बहुत ज़्यादा है ये वाला शॉल। तो एक मेरा सबसे पहला शॉल ये है, और ये फुल टू ऐसा ही है सेम अंदर से भी, मतलब कि अगर मैं इसे खोलती हूँ अंदर से तो अंदर से भी बॉर्डर पे ये इसी तरीके का है, और इसके अंदर इस तरीके से ये डिजाइन बना हुआ है और ये चेक्स बने हुए हैं। तो पूरा शॉल टोटली इस तरीके का है, और जैसे शादी वगैरह में ये रेड और ब्लैक कलर ऐसा होता है जो हर कलर की ड्रेस पर बहुत जल्दी है ना मैच हो जाता है। और दूसरा शॉल है मेरा ये है ना ब्लू और स्काई ब्लू कलर का, और ये शॉल जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट में दिया था। एक्चुअली जब वो अमरनाथ गए थे तो उन लोगों ने सबके जो हार्ट टच लोग हैं उन लोगों के लिए शॉल लिए थे तो गिफ्ट के लिए, तो उनने मुझे ये एक शॉल दिया था। और ये यकीन कीजिएगा ये शॉल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब इसे मैं है ना इसको जब मैंने ओढ़ा, इसको मैंने जब कैरी किया, तो ये इतना ज़्यादा गर्म भी है कि इसके अंदर मतलब जितना मुझे ज़्यादा पतला दिख रहा है उतना ही ज़्यादा ये वॉर्म भी है, और जिसकी वजह से इसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी। थर्ड है मेरा ये वाला शॉल जो कि मैंने पार्टी वेयर के हिसाब से लिया था, जब मुझे इनने ही दिलाया था ये वाला शॉल और एज ए गिफ्ट दिया था एक्चुअली इनने है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा शॉल। और इसके अंदर थोड़ा वर्क टाइप का काम है, इसके अंदर थोड़ा स्टोन का काम हो रखा है अगर आपको दिख रहा हो तो, और इसमें बीड्स भी लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा पार्टी वेयर टाइप है जिसे मैं ना डेली बेसिस पर नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं वो है ना फैब्रिक के जो फेविकॉल आता है उससे चिपके हुए हैं, तो इसे मैं है ना ज़्यादा गर्म पानी में भी वॉश नहीं कर सकती, और ज़्यादा वॉश करूँगी तो ये हट जाएंगी, तो थोड़ा ये पार्टी वेयर टाइप का है लेकिन ये बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसे अंदर से खोलती हूँ तब भी ये पूरा की पूरा शॉल जो है इसकी बॉर्डर पे इसी तरीके से है, और यहाँ अंदर की तरफ इस तरीके के बूटे बने हुए हैं और ये नग लगे हुए हैं, और ये जो है दोनों तरफ से ओढ़ने के लिए है। अगर मैं चाहूँ तो इसे दूसरी तरफ से भी ओढ़ सकती हूँ, जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे उल्टी तरफ से भी ओढ़ सकती हूँ, और उल्टी तरफ से ये बिल्कुल फॉर्मल लुक देगा है ना, फेस्टिव लुक नहीं देगा। अगर आप है ना बाहर किसी वेडिंग में जा रहे हो और नहीं चाहते हो कि है ना ज़्यादा हम सामान कैरी करें, तो आप इस शॉल को उल्टा करके नॉर्मल ओढ़ सकते हो, और जब नाइट के टाइम पर जब पार्टी टाइम हो उस टाइम पर आप इसे इस तरीके से ओढ़ सकते हो, मतलब कि एक शॉल दो काम कर देगा। तो मेरे को इसलिए ये शॉल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरा थर्ड शॉल ये है। उसके बाद में मैं आप लोगों को फोर्थ शॉल दिखाना चाहूँगी। ये शॉल एक्चुअली मैंने जयपुर में ना नेपाली बाज़ार लगता है वहाँ से लिया था, और इसमें भी वही है ना बीड्स लगे हुए हैं और इस तरीके के ये लगे हुए हैं, और ये भी दोनों तरफ से ओढ़ सकते हैं अगर मैं ओढ़ना चाहूँ तो दूसरी तरफ से भी, तो दूसरी तरफ से ये इस तरीके का दिखता है।
पीछे से भी अगर इसका लुक दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब कि मेरे एक शॉल से ही दो शॉल का काम हो जाता है, लेकिन मुझे इस तरफ से ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस तरफ से ही कैरी करती हूँ। क्योंकि और इसे भी मैंने काफ़ी बार ना कैरी ओढ़ा है, और ये वॉशेबल है, इसके नग वगैरह हैं वो नहीं निकले हैं क्योंकि ये जो है थ्रेड से लगे हुए हैं, वैसे नहीं लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये जो मेरा कलेक्शन है ये लेटेस्ट कलेक्शन है एक्चुअली। बस ये वाला जो है ये वाला शॉल जो है वो 8 साल पुराना शॉल है, और ये मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे शादी के टाइम पर दिया था। तो ये वो वाला शॉल है, और यकीन कीजिएगा ये शॉल बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे ट्रेवलिंग में है ना, रेल में या बस में ओढ़ कर सो जाते हो या लेट जाते हो, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। फिर ये वाला शॉल है, ये वाला शॉल भी बहुत ज़्यादा वॉर्म है, और वही इसमें शिमिर का काम है और फर वाला ही है ये शॉल भी, और पूरा की पूरा शॉल इस टाइप का है। लेकिन इसका पीछे वाला जो भाग है वो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं उल्टा ओढ़ना चाहूँ तो मैं ओढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सीधा ही अच्छा लगता है तो मैं इधर से ही ओढ़ती हूँ। क्योंकि इतना भी कहीं हम बाहर नहीं जाते हैं कि हम शॉलों को ऐसे उल्टा पुल्टा करके पहन पहन के देखूँ मैं, तो मुझे ये वाला शॉल भी बहुत पसंद है। फिर है ये वाला शॉल एक्चुअली है ना, अगर ये तो वाला शॉल एक्चुअली 2 साल पहले मैंने लिया था, जब जागरण के टाइम पे लिया था मैंने, 2 साल पहले लिया था ये शॉल। और ये वाला शॉल भी उस टाइम पे बहुत चला था और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, लेकिन पीछे से ये कुछ इस तरीके का है तो ये पीछे से नहीं ओढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाला शॉल है और ये वाला भी, ये सारे शॉल मैं एक स्टॉल की तरह भी ओढ़ सकती हूँ। तो मैं मुझे ये वाला शॉल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर इसको मैं टच करती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद में है ये वाला शॉल भी एक्चुअली मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, और ये शॉल वो ले कहाँ से, शायद वैष्णो देवी के से लाए, हाँ वैष्णो देवी गए थे जब हम लोग, तो वहाँ से उनने बाय किया था सबको देने के लिए, तो उनने एक शॉल मुझे भी दिया था। तो ये शॉल भी बहुत ही गर्म है, आप समझ सकते हो कि जब है ना ऐसे गर्म जगह से लिया है तो वो गर्म ही होगा शॉल। तो ये वाला शॉल भी बहुत अच्छा है, अगर जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पर बस में या रेल में अगर मैं इस शॉल को कैरी करती हूँ तो बहुत अच्छा लुक देता है। तो मुझे ये वाला शॉल भी बहुत पसंद है। और तो इस तरीके से मेरे इन टोटल 7 शॉल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में, अपने शॉल का कलेक्शन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी, तो मैंने ये कर दिया। और अगर आप इस इन सब की प्राइस की बात करोगे तो प्राइस एक्चुअली आप समझ सकते हो कि ये मुझे गिफ्ट में मिला है तो मुझे इसका प्राइस नहीं मालूम, ये मुझे जयपुर से मिला था तो इसका प्राइस भी मुझे नहीं मालूम, ये मेरे शादी के टाइम पर चढ़ता है जब कपड़े साड़ी वगैरह चढ़ते हैं, तब तो ये मुझे शॉल चढ़ा था तो इसका रेट भी मुझे नहीं मालूम, और ये वाला इनने मुझे गिफ्ट में दिया इसलिए मुझे इसका भी रेट नहीं मालूम, और ये वाला भी एक्चुअली ये अभी मेरी मदर इन लॉ ने दिया अमरनाथ की यात्रा से, तो इसका भी मुझे नहीं मालूम। ये मुझे शादी के टाइम पर मिला था, और ये शायद है, ये शॉल है 800 रुपये की, ये शॉल 800 रुपये की है, और ये वाली शॉल है 450 से 500 के बीच में। एक्चुअली वाली शॉल भी मुझे 3-4 साल हो गए लिए हुए, पर ये सारे जो हैं एवर ग्रीन हैं सारे शॉल्स। अगर मैं आज भी इनको पहनकर किसी पार्टी में जाती हूँ तो आउट ऑफ है ना डेट नहीं लगते हैं, करंट लिए हुए शॉल लगते हैं तो बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो मैं तो एक यही शॉल ही होते हैं जो हर साड़ी पर, हर ड्रेस पर कैरी हो जाते हैं स्टॉल के रूप में, या जींस पे भी अगर हम लेते हैं तो स्टॉल के रूप में हो जाता है, कुर्तीज़ पे भी हो जाता है और साड़ीज़ पर भी हो जाता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो छोटा सा। और अगर आप लोग भी शॉल लेने की सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके का शॉल लेना चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी शॉल जो है सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई किसी भी तरीके का शॉल ले सकते हो। और ये वाला शॉल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनने मुझे गिफ्ट में दिया, और ये शॉल जो है ना उल्टा भी काम में आ जाता है, उल्टी तरफ से भी ये बहुत प्यारा है और ये सीधी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो मुझे ये वाला शॉल तो बहुत ही पसंद है। और
यार ये वाला शॉल तो आप मुझे वीडियो में पहने हुए देख ही चुके होंगे, और ये शॉल भी आप मुझे पहने हुए देख ही लोगे किसी ना किसी वीडियोस में। बस ये वाला शॉल है जो मैं ये वाला शॉल ऐसा है जो मैं ना नहीं पहनूंगी किसी वीडियो में, क्योंकि ये है ना वॉशेबल नहीं है। अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, इसके स्टोन जो हैं वो चिपके हुए हैं, अगर मैंने इन्हें वॉश करूँगी तो ये हट जाएंगे। हाँ, अगर ये एक दो स्टोन हट गए बाय चांस, तो उसके बाद में ज़रूर मैं इसे डेली बेसिस पे काम में ले लूँगी, इतने तो मैं काम में नहीं लेने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई वीडियो के लेकर कोई सजेशन हो तो उसे ज़रूर से दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय बाय।